66वें रेल सप्ताह समारोह के अवसर पर शुक्रवार को सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने विभिन्न विभागों के 110 रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट एवं उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में ट्रैक मेंटेनर, टेक्नीशियन, स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, विभिन्न विभागों के निरीक्षक, विभिन्न इंजीनियर विभागों के सेक्शन इंजीनियर, सफाई वाला तथा अधिकारी सम्मिलित हैं, जिनकी समर्पित एवं उत्कृष्ट सेवा से रेल की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, उत्पादकता बढ़ी है, रेल दुर्घटनाएं बचाई जा रही हैं तथा तकनीकी सूझबूझ से आर्थिक स्वावलंबन में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा महाप्रबंधक विनय त्रिपाठी ने विभिन्न श्रेणियों में अंतर मंडलीय कार्यकुशलता शील्ड एवं ट्रॉफियां भी प्रदान की। इस मौके पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने 66वें रेल सप्ताह के अवसर पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे में समर्पित एवं कार्यकुशल रेल कर्मियों की कमी नहीं है, लेकिन पुरस्कारों की संख्या सीमित होने के कारण सभी को पुरस्कृत करना संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक वर्ष कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ही पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाता है, जिनकी विशिष्ट कार्यशैली एवं समर्पित प्रयासों से रेल की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के दौरान श्रमिक विशेष गाड़ियों के माध्यम से हमारे कर्मठ रेल कर्मियों ने लाखों लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया। कर्मचारियों के कर्मशीलता को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में पूर्वोत्तर रेलवे देश की अग्रणी रेलों में शुमार होगी। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ महाप्रबंधक विनय त्रिपाठी और अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर पूर्वोत्तर रेलवे कला समिति के कलाकारों द्वारा मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मीना त्रिपाठी, अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन, अपर महाप्रबंधक अमित कुमार अग्रवाल, प्रमुख विभाग अध्यक्ष, सभी मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ रेल अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने किया। अब मेरा सेक्रेटरी टू जीएम सर से अनुरोध है, टीआरएम आइजक नगर फोरम अनुरोध है, टीआरएम वाराणसी सर का हमारे यहाँ उपस्थित सम्मान करें। एएमएमईएसटी सांची अग्रवाल के आज पुरस्कार वितरण समारोह प्रकाश फैल जाता है। प्रचलन किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ का उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य किया है। मान पूर्व में प्राप्त हो चुका है, इनकी स्मृतियों को सहेज कर आज भी हम अपने ऑफिस अथवा अपने ड्राइंग रूम में सहेज कर रखते हैं। आज यह सम्मान खुशी क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे के कर कमलों द्वारा तीन अलग अलग श्रेणियों में दिया जाना है। राजेश कुमार राय, जूनियर इंजीनियर कार्य नियोजन, प्रमुख मुख्य इंजीनियर कार्यालय गोरखपुर, श्री धीरेन्द्र सिंह, सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्य ऐशबाग, श्री धीरेन्द्र सिंह ने स्टेशन एवं रेलवे, श्री संजय कुमार कनौजिया सचिव, धन्यवाद पीसीएस सहायक उप निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल वाराणसी, श्री यास सर्वर ने रेलवे सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सूचनाओं पत्रों का आदान प्रदान किया, फलस्वरूप श्री अनिल कुमार कांस्टेबल रेलवे सुरक्षा बल गोरखपुर, श्री अनिल कुमार ने रेलवे अधिनियम टिकट जांच अभियान से संबंधित सभी आंकड़ों को प्राप्त कर उसकी समीक्षा करते हुए रेलवे बोर्ड को समय से प्रेषित
तमाम मुख्य सतर्कता निरीक्षक भंडार श्री अशोक कुमार, श्री अखिलेश कुमार राणा को फोटोग्राफी का अच्छा ज्ञान है। आप बैठकों, समारोहों, गोष्ठियों, खेल कूद एवं अन्य कार्यक्रमों का फोटो कवरेज करने के साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार का कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं। स्टार प्रशंसनीय है श्री राणा। यहाँ पे एक मिनट अभी वो उससे तो ठीक है। तालियां बजाते रहे आप लोग। सर्वोत्तम स्वच्छ स्टेशन ट्रॉफी एक बार फिर से इज्जत नगर। सर्वोत्तम व्यवस्थित कार्यालय प्रमुख मुख्य इंजीनियरिंग कार्यालय गोरखपुर। जोरदार तालियों से आप लोग वाराणसी मंडल को बहुत बहुत बधाई। अप्रैल के महीने में होना चाहिए था पर कोरोना के कारण ये नहीं हो सका और इतने विलम्ब से हो रहा है। पिछले वर्ष 2021 में कोरोना की कठिन परिस्थितियों के दौरान भी हमारे सभी रेल कर्मियों ने बड़ी मेहनत से कार्य किया और जो अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते थे वो उन्होंने किया। उन सब में कुछ लोगों को पुरस्कार मिला, कुछ लोगों को नहीं भी मिला, क्योंकि हर व्यक्ति को पुरस्कार दिया नहीं जा सकता, उसकी भी संख्या लिमिटेड है। अतः जिनको नहीं मिला उनको कुछ ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे पुरस्कार नहीं मिला। बस मैं इतना कहूँगा कि आप हमेशा ये सोचें कि मैं कितना और काम कर सकूं, रेलवे को और अच्छा कर सकूं। ये रेलवे जैसा कि लोग कहते हैं अब छोटी लाइन रेलवे नहीं रही, बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हुई है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, स्पीड्स बढ़ रही हैं, ट्रैक्शन चेंज हो चुका है, मॉडर्न रोलिंग स्टॉक यहाँ आ रहे हैं और आते रहेंगे। उन सब के लिए हमें जो सीखना है, जो समझना है, और सबसे बड़ा ये चीज़ है कि अपने अंदर ये परिवर्तन लाना है कि अब लेट बैक रहने से काम नहीं चलेगा, चुपचाप शांति से बैठने से काम नहीं चलेगा। हमें हमेशा सोचते रहना पड़ेगा कि मैं इस रेल को कैसे और अच्छा बनाऊं, क्या और सीखूं जो हमने अभी तक नहीं किया है, उसको सीखने की कोशिश करें और ऐसा सीखने की कोशिश करें कि हमसे अच्छा किसी और को ना पता हो। अच्छा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ऑपरेटिंग इंडिसेस में शायद ये याद पड़ रहा है वो सही है नंबर 1 पे थे।